अगर एक तवायफ का नाम लेने पर आपके दिमाग में भी प्रोस्टिट्यूट, धंधे वाली वैश्या या फिर कोठे वाली औरतें ही आती हैं, तो मेरे दोस्त शायद आप गलत हैं। एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो, ये मेरी बेटी है। क्योंकि भले ही आज इतिहास के पन्नों से इन तवायफों का नाम पूरी तरह से मिट चुका हो, पर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंदी ने इतिहास के इन पन्नों को एक बार फिर से उजागर कर दिया, जिसमें ये पता चला कि जिन तवायफों को लोग इतनी गंदी नजर से देखा करते थे, उनका भी हमारे देश की आजादी में एक बहुत बड़ा रोल था। तो आखिरकार क्या था इन तवायफों का इतिहास और क्यों ब्रिटिशर्स की वजह से ही इन आर्ट्स और कल्चर रिच आर्टिस्ट को बुरी नजर से देखा जाने लगा। हीरा मंडी सीरीज की इंस्पिरेशन असल में लाहौर शहर के एक एरिया हीरा मंडी यानी डायमंड मार्केट से ही ली गई है, जिसे मुगल काल के दौरान एस्टैब्लिश किया गया था और उस टाइम इस एरिया को शाही मोहल्ले के नाम से भी बुलाया जाता था और इस एरिया में ज्यादातर तवायफ ही रहा करती थी। आप लोगों को ये बता दें कि उस टाइम पर इन तवायफों को लोग एक प्रोस्टिट्यूट की नजर से नहीं बल्कि सिर्फ फीमेल एंटरटेनर्स की ही नजर से देखा करते थे, इसीलिए इन तवायफों को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कथक, मुजरा जैसे कल्चरल डांस फॉर्म के साथ पोएट्री और यहाँ तक कि एटिकेट्स की भी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती थी और ये तवायफ अपने आर्ट फॉर्म्स और स्किल से उस टाइम पर गेस्ट को और तो और पैलेसेस में रॉयल फैमिलीज को एंटरटेन किया करती थी। सेम उसी तरह जिस तरह आज के टाइम पर ये बड़े परफॉर्मर्स बड़े क्राउड को एंटरटेन करते हैं। और तो और ऐसा नहीं था कि इन तवायफों का कल्चर सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट पर ही देखने को मिलता था, बल्कि तवायफ की ही तरह इन फीमेल एंटरटेनर्स को जापान में गीशा ट्रेडिशन और फ्रांस में डेमी मॉन्ट के नाम से जाना जाता था। इसी वजह से उस टाइम के रॉयल नोबल्स भी अपने बच्चों को तवायफ के पास भेजा करते थे एटिकेट सीखने के लिए, क्योंकि न सिर्फ इन तवायफ के पास आर्ट, लिटरेचर और पोएट्री में महारत हासिल थी बल्कि ज्यादातर टाइम रॉयल कोर्ट में बिताने की वजह से इनकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफी अच्छे हुआ करते थे। इसीलिए रॉयल लोग अपने बच्चों को इनके पास ट्रेनिंग के लिए इसलिए भेजते थे ताकि वो तवायफ से ये सीख सकें कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल होती थी अपना साम्राज्य संभालने के लिए। इसके अलावा मुगल एरा के दौरान भी अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से विमेंस को शाही मोहल्ले में लाया जाता था रॉयल कोर्ट में परफॉर्म करने के लिए। लेकिन लाहौर के इस शाही मोहल्ले का नाम असल में हीरा मंडी तब पड़ता है जब महाराजा रंजीत सिंह के प्राइम मिनिस्टर हीरा सिंह डोगरा इस एरिया को एक इकोनॉमिक हब की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसे फूड ग्रेन मार्केट में कन्वर्ट कर देते हैं और लोकल लोग इसे हीरा सिंह दी मंडी के नाम से जानने लगते हैं, जहां दिन के टाइम अनाज का कारोबार होता था और रात में तवायफ लोगों को अपने आर्ट, कल्चर और डांस से एंटरटेन करती थी। लेकिन काफी लोग ये मानते हैं क्योंकि शाही मोहल्ले की औरतों की खूबसूरती बेशकीमती हुआ करती थी, इसीलिए इस एरिया का नाम हीरा मंडी पड़ गया यानी मार्केट ऑफ डायमंड्स। मुगल काल के बाद राजा रंजीत सिंह के दौर में भी इन तवायफ को रॉयल पैट्रोनेज उसी तरह मिलता रहा जैसा मुगल काल में मिला करता था। लेकिन हीरा मंडी के डांस ट्रेडिशन और कल्चर में डाउनफॉल तब आता है जब 1800 के पीरियड में ब्रिटिश राज इंडिया में बड़ी तेजी के साथ कॉलोनाइजेशन शुरू करता है। उस टाइम पर ब्रिटेन की नजर में इंडियन आर्ट्स और कल्चर की कोई भी अहमियत नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजों ने हीरा मंडी को कल्चर और एंटरटेनमेंट हब की जगह एक ब्रॉदल में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ही इस एरिया में एम्परर्स और नोबल्स दोनों नहीं जाना बंद कर दिया। इसलिए इन तवायफ को ब्रिटिश राज के दौरान ही जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में डाल दिया गया और एक टाइम पर अपनी नजाकत, एटिकेट्स और तो और आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाने वाला मोहल्ला अब सिर्फ एक रेड लाइट एरिया बनकर रह गया था। इसलिए या तो कुछ तवायफ हीरा मंडी छोड़कर लखनऊ और दूसरे ओद स्टेट माइग्रेट कर गए, जहाँ के नवाब अभी भी उनके आर्ट फॉर्म्स को सपोर्ट करते थे और बची कुची तवायफ को हीरा मंडी में ही अपना गुजारा करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम ही करना पड़ा। लेकिन वहीं इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 के दौरान लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जैसे दूसरे शहरों में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी जल उठती है और इसी रेबेलियन के दौरान ही कुछ तवायफों ने अपने इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया। और तो और ना सिर्फ इन तवायफ ने एंटी ब्रिटिश राज प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि उनके कोठों को फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश राज के खिलाफ मीटिंग एरियाज और छुपने की तरह भी इस्तेमाल किया।
और ये भी माना जाता है कि कुछ तवायफों ने इन फ्रीडम मूवमेंट को फंड तक किया था। इसके अलावा हीरा मंडी सीरीज में जिस कैरेक्टर को अदिति राव हैदरी ने प्ले किया है, माना यह जाता है कि ये कैरेक्टर असल में एक रियल लाइफ तवायफ अजीजा बाई की स्टोरी पर बेस्ड है, जिनका काफी एक्टिव रोल था इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 में, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रीडम फाइटर्स तक पास ऑन करी थी। तभी जाकर ही ये रेबेलियन मूवमेंट मुमकिन हो पाया था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स को उनके बारे में पता लगने पर उन्हें मरवा दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमारे इतिहास की किताबों में भी इन जैसे फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिखा ही नहीं गया है, लेकिन वही कहीं ब्रिटिश हिस्टोरियंस और यहाँ तक विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी बुक में अजीजा बाई या अजीजन जैसे हीरोइक तवायफ के बारे में डिटेल में लिखा है। तभी जाकर ही आज लोगों को इन साइलेंट हीरोज, जिनका हमारी देश की आजादी में योगदान रहा है, उनके बारे में पता लग पाया। इसके अलावा अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ बेगम हजरत महल, जो भी एक तवायफ थी, उनका भी एक काफी इम्पोर्टेंट रोल था इस 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने अवध कैप्चर करके उनके हस्बैंड वाजिद अली शाह को कलकत्ता में एग्जाइल कर दिया था, तो बेगम हजरत महल ने राजा जयलाल सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके लखनऊ यानी अवध पर दोबारा से कंट्रोल पा लिया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गौहर जान नाम की एक तवायफ ने तो गांधी जी को 12,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए थे इस फ्रीडम मूवमेंट के लिए, और गौहर जान ने 12,000 रुपए जितना फंड स्पेशल महफिल ऑर्गेनाइज करके कलेक्ट किया था। लेकिन अगर आज की बात करें तो हीरा मंडी नाम का एरिया आज भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये जगह अब एक रेड लाइट एरिया और प्रोस्टिट्यूशन हब बनकर ही रह गया है, और जिस जगह पर कई सालों पहले फ्रीडम मूवमेंट की चिंगारी उठी थी, जहाँ की औरतें अपनी खूबसूरती, आर्ट और कल्चर के लिए मशहूर थी, वहाँ की औरतें आज जिस्म फरोशी के दलदल में बहुत ही बुरी कंडीशन में गुजर रही है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद हीरा मंडी की कुछ तवायफ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड में एज एक्टर और आइटम गर्ल की तरह भी काम करने लगी, जिसमें से 1960 में हीरा मंडी की एक तवायफ नरगिस बेगम यानी निग्गो को कई बार फिल्म मेकर ने अपनी डांसिंग स्किल के लिए एज अ डांसर कास्ट किया था, जहां निग्गो की मुलाकात ख्वाजा मजहर नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर से हुई और उन दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन सोसाइटी ने उनकी शादी को मंजूरी ही नहीं दी और जबरदस्ती निग्गो को एक बार फिर से वापस हीरा मंडी जाना पड़ गया, जहां निग्गो के पति ने उसे जान से मारकर उसकी हत्या कर दी। अब वहीं संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी की बात करें तो फिलहाल तो मैंने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है, लेकिन लोगों के बीच इस सीरीज को मिक्स्ड रिव्यूज ही मिले हैं, जहां कुछ लोगों के हिसाब से ये सीरीज एक मास्टरपीस है और वहीं कुछ ने बोला कि इसमें गलत हिस्ट्री दिखाई गई है। अब एग्जैक्टली इस सीरीज में क्या दिखाया गया है, उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स में जाकर इस सीरीज को देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि शायद ही आप लोगों को इतिहास के इस हिस्से के बारे में पता होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज तवायफों के उस इतिहास के बारे में बताया जाए जो वक्त के साथ कहीं खो गया था। तो आपको तवायफ के इस इतिहास के बारे में पता था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।